In this session the topic is social mobility. Social mobility means the change in individuals' social status from one status to another. Like a teacher become principal or an officer may lose his job, a businessman may become bankrupt. can yani just jagapar aj ये स्टेटस अगर हमारा चेंज हो जा होता है तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट uh, के अंदर ये सोशल मोबिलिटी कहलाएगी यानी चेंज फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर अदर सो देर आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मोबिलिटीज एंड देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेटस और पोजीशंस फॉर एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी विच एक्चुअली दीज आर द बेसिक लाइन्स विच एक्चुअली डिटर्मस द सोशल मोबिलिटी फैक्टर इन आ सोसाइटी यानी हर फर्द को बुनियादी तौर पर जिंदगी में तीन तरह के किरदार जो हैं वो सर अंजाम देने पड़ते हैं ये एक रूटीन का मैटर है हर फर्द के साथ ये चीज़ें जो हैं वो वाबस्ता हैं मसलन जो पहला स्टेटस होता है हर फर्द का माशरे के अंदर देट इज़ दसक्राइब्ड स्टेटस अब परमानेंट स्टेटस असाइनड टू एन इंडिविजुअल बाई बर्थ फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो पैदाइश है उस पर जो उसका जेंडर डिटर्मेंट होता है जो उसकी कास्ट डि डिटर्मेंट होती है या ख़ास पर अगर हमारे जैसे माशरों के अंदर जो है अगर कोई बच्चा किसी की आइज़ कलर हो तो उसकी पहचान सारी उम्र उसके साथ वही चलती रहती है यानी पैदाइश के वक्त जो पहचान जो शनाख्त किसी भी एक फ़र्द को हासिल हो जाती है वो मुशरे में उसका स्टेटस कहलाती है फिर दूसरे नंबर पर जो बात है वो है स्क्रिप्टिव क्राइटीरिया विच डू नॉट फिक्स एन इंडिविजुअल इन ए पोजिशन फॉर द टाइम दैट इज सेक्स रिलीजन एज अब एक तरफ तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका जेंडर डिटर्मंड हो गया लेकिन फिर उसके बाद जब इंसान बड़ा होता है ग्रो होता है तो वक्त के साथ साथ उम्र के लिहाज से उसका स्टेटस तब्दील होता रहता है जब बच्चा था जवान हुआ फिर बूढ़ा हो गया तो ये जो ये भी तो एक स्टेटस है ना फिर उसके साथ साथ एक स्टेटस वो है जो रिलीजन आपको देता है आप किस मज़हब के मानने वाले हैं उसके साथ आपकी पहचान जो है वो लिंक कर दी जाती है फिर ऐसे ही सेक्स की बेस पर इंसान का स्टेटस डिटर्मेंड होता है मेल है या फीमेल है ट्रांसजेंडर है ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुदरती तौर पर और फिर वक़्त के साथ ग्रो करने के साथ साथ ये स्टेटस जो हैं ये मुशरा हमें देता है और हमारी पहचान बनते हैं ये स्टेटस फिर है अचीव्ड स्टेटस ये स्टेटस बुनियादी तौर पर वो है जो हमारा टॉपिक है जिस पर हमें समझना भी है और जो पोलिटिकल सोशियोलॉजी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है अ स्टेटस गेंड बाय एन इंडिविजुअल थ्रू सर्टेन क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज। मसलन डॉक्टर है वो बुनियादी तौर पर क्यों बना डॉक्टर क्योंकि उसने तालीम हासिल की फिर माशरे के अंदर एक वो दर्जा है जो बाप का है दादा का है नाना का है यानी रिश्तों के लिहाज से जो स्टेटस है जो इंसान खुद जब ज़िंदगी के मामलत में इन्वॉल्व होता है तो उसके उसको ये दर्जात हासिल होते हैं फिर एक स्टेटस वो भी है अगर किसी को पॉलिटिक्स का शौक़ है तो वो एफर्ट करता है सब नहीं बन पाते लेकिन कोई एक फ़र्द जो है वो अपनी जदोजहद के साथ अपनी स्ट्रगल के साथ किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है प्रेसिडेंट बन सकता है यानी किसी आला अलीदे तक पहुंचता है तो बुनियादी तौर पर सोशल मोबिलिटी का जो ताल्लुक़ है इंसान के अफराद के जो स्टेटस मुशरा डिटर्मन करता है कुछ जो नेचर डिटर्मन करती है और कुछ जो ख़ुद फ़र्द अपनी कोशिश के साथ हासिल करता है इस सब के अंदर इस सब के साथ उसके साथ बहुत सारे मामल व होते हैं मसलन कभी वो अपने स्टेटस से खुश होता है कभी खुश नहीं होता तो ये सब की जो बहस है ये अमली तौर पर वेन इट इज़ इट लिंक् विद द सोशल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल दैन बेसिकली इट इज़ कॉल्ड सोशल मोबिलिटी